भागलपुर नगर निगम इन दिनों अपने आप में एक प्रदर्शन का अड्डा बन गया है। कभी यहां सफाई कर्मी तो कभी पार्षद और कभी खुद मेयर और डिप्टी मेयर भी प्रदर्शन करते दिखते हैं। मुख्य रूप से कहा जाए तो फिलहाल नगर निगम जुबानी जंग का अड्डा बन गया है। वहीं पार्षद नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर के तालिबानी फरमान से परेशान होकर पहले नगर विधायक अजीत शर्मा से मिलने पहुंचे थे और आज सांसद अजय मंडल से मिलने पहुंच गए। पार्षदों का मुख्य रूप से यह कहना है कि हम नगर निगम में भी बंद कर और तालिबानी फरमान के अंदर रहते हैं, यह कहीं से भी सही नहीं है। हम जनप्रतिनिधि फील्ड में रहने वाले लोग हैं, अगर लोग हमें चुनकर पार्षद की कुर्सी पर बैठाते हैं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है उनकी परेशानियों को सरलतापूर्वक निदान करें, लेकिन हम लोगों के कई हक को नगर आयुक्त ने छीन लिया है जिससे हम लोग जनप्रतिनिधि होते हुए भी जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, यह कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। आज भागलपुर के लोकप्रिय सांसद महोदय से हम लोग एक शिष्टमंडल पार्षद का मिले और नगर निगम के कुरुतिया के विषय में, नगर निगम में फैली भ्रष्टाचार और शहर में साफ सफाई और डेंगू के विषय पर हम लोग विस्तृत जानकारी दिए और वहाँ से हम लोग को बहुत अच्छा आश्वासन मिला है और उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार पर हम सीबीआई को लिखेंगे और जहाँ तक हो सकेगा और भागलपुर की जितने भी समस्याएं हैं और जो भी समस्याएं हैं उसे हम अवगत कराएंगे मुख्यमंत्री को और ऊपर तक जाएंगे और हम सीबीआई का जांच कराएंगे। साथ ही पार्षद ने कहा कि शहर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही चला जा रहा है, 137 मरीज से ज़्यादा लोग इसके शिकार हो चुके हैं, 3 की मौत हो चुकी है। साफ सफाई की बात करने की बात कहने के बजाय हम लोगों को ही नोटिस देने की बात कही जा रही है। इस बात को लेकर सांसद अजय मंडल ने कहा कि इस पर नगर आयुक्त से भी बात की जाएगी और ऊपर आला अधिकारियों एवं मंत्रियों से भी बात किया जाएगा। आखिर नगर निगम भागलपुर में ऐसा तालिबानी फरमान क्यों जारी किया जा रहा है? हम बार बार यहाँ के नगर निगम के आयुक्त को कहते रहे हैं कि ध्यान देने के लिए, लेकिन आज पार्षदों, मेरे नगर निगम भागलपुर के जितने भी पार्षद अभी आए हुए हैं, इन लोगों ने जो नगर निगम के आयुक्त के विषय में बताए वो बिल्कुल ही निंदनीय है और इतना अनियमता उनके कर रहे हैं टाउन में कि आज डेंगू सिर्फ उन्हीं के नहीं देख रेख से, उनके लापरवाही से हमारे ज़िले में फैला हुआ है और डेंगू से जितने लोगों को लोग प्रीत हैं वो एक बहुत ही अपने आप में और शहर के लिए सोचनीय है और यहाँ इसके गलत हरकत से पूरा ज़िला का प्रशासन और मेडिकल विभाग, ये लोग सब व्यस्त हो गए और त्रस्त हो गए हैं और ऐसे कमिश्नर को, ऐसे आयुक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं, आईएएस, उनको समझना चाहिए कि किस तरह से काम करना है। क्या इसका शिकायत कीजिएगा आगे भी? मैं इनका शिकायत मुख्यमंत्री से भी करूंगा और नगर निगम में जो इन अभी पार्षदों से मुझे जानकारी मिली कि इतना बड़ा अनियमता है कि चूँकि बिहार सरकार अपने बिहार वासियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराते हैं और जब झाड़ू लगाने वाले लोग ये नगर निगम के आयुक्त के द्वारा उनको देखा नहीं गया कि झाड़ू लगाने वाला भी अब बाहर से लाने लगे हैं, ये आश्चर्य, घोर आश्चर्य की बात है। और किसी पार्षदों पर एक तो वो नियमावली उनके ऑफिस के बाहर लगा दिए हैं कि कौन कानून है, पदाधिकारी कुछ नहीं होता है, पदाधिकारी एक पदाधिकारी होता है जो सबों के लिए सर्वमान्य है, सबके लिए एक तरह से देखना चाहिए उनको, लेकिन उन्होंने तो यहाँ आकर के एक क्या कहते हैं वो हिटलर शाही का भी काम कर रहे हैं और दूसरा वो अपने आप को दिखाते हैं कि हम पदाधिकारी नहीं, हम आपसे लड़ने वाले हैं। वो तो अधिकारी हैं तो सभी पार्षदों को लेकर के चलना चाहिए। वो नियमावली लगा दिए हैं कि ये करने पर, ये कानून का जो दायरा बताया हुआ है, अरे आप तो पदाधिकारी और वार्ड मेंबर कमिश्नर हैं, आप नगर आयुक्त हैं और आप अपने जब तक वार्ड मेंबरों से मिल करके समझ करके क्षेत्र का विकास नहीं कीजिएगा तो विकास हो नहीं सकता है ना, ये तो विकास को बाधित करने वाले अधिकारी हैं। कुछ घोटाला का भी मामला? हाँ, अभी तो हमें कई सभी पार्षदों से मालूम हुआ कि यहाँ सिर्फ बहुत ज़्यादा घोटाले का मामला आ रहा है, तो अगर घोटाला तो बिहार सरकार, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस पर कोई घोटाला का और कोई बची वाली बात है नहीं। हम तो सीबीआई जांच के लिए लिखेंगे, हम अपने माननीय मुख्यमंत्री को लिखेंगे, ऐसे दोषी अधिकारियों पर, भ्रष्ट अधिकारियों पर अगर हैं तो जांच करा करके अविलंब कार्रवाई किया जाए।
क्योंकि यहाँ दोषी अधिकारियों का, दोषी व्यक्ति किसी का इस बिहार में नीतीश कुमार के रहते कुछ नहीं चल सकता है, और हमारे मुख्यमंत्री तुरंत जांच के लिए आदेश देते हैं। लगातार जो है कि बराबर ये उठ के आ रहा हम बराबर तो हमें तो आज कुछ हल्का फुल्का सुनने के लिए मिला था, लेकिन आज जो पार्षदों की कथा है, इनकी जो इनके मुखारबिंद से जो हम सुनने के लिए मिला, सभी पार्षदों के मुखारबिंद से, ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक आईएएस है हमारे नगर आयुक्त, उनको एक पदाधिकारी इतने बड़े पोस्ट पर रहने के बावजूद भी इस तरह का व्यवहार करना, ये तो हमको लगता है कि सबसे शर्मनाक बात है। आपकी सरकार की छवि भी धूमिल होती है। हाँ, सरकार की देखिए, ऐसे अधिकारी हो सरकार के, सरकार बकसने वाले में से नहीं, हमारे सरकार में किसी को नहीं बख्शा जाता है, तो किसी को क्यों बख्शेगा, जो दोषी होगा उन पर अविलंब कार्रवाई किया जाएगा। सांसद अजय मंडल से मिलने दर्जनों पार्षद सर्किट हाउस पहुंचे थे, वहीं नगर निगम के तालिबानी फरमान से नगर आयुक्त, मेयर व डिप्टी मेयर तीनों परेशान दिख रहे हैं। सांसद अजय मंडल ने कहा कि नगर निगम में क्या चल रहा है इसकी जांच सीबीआई करेगी, और नगर आयुक्त की तानाशाही की जानकारी मैं पत्र में लिखकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अवगत कराऊंगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार बेतहाशा वृद्धि हो रही है। 21 दिनों के अंदर डेंगू पीड़ितों की संख्या 137 के पार हो गई है, जहां 3 लोगों की दर्दनाक मौत भी इससे हो चुकी है। इसको लेकर नगर निगम काफी सख्ती में है और 4 रोस्टर बनाकर सफाई कर्मियों द्वारा फॉगिंग मशीन और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवा रही है, ताकि डेंगू से बचाव किया जा सके। वहीं मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल खुद इसकी मॉनिटरिंग भी कर रही हैं। साथ ही मेयर ने शहरवासियों से अपील की है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें, इसमें नगर निगम भी आपका सहयोग करेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को बाहर फुल कपड़े पहना कर ही भेजें, आसपास पानी को जमने ना दें, और जब भी सोएं तो मच्छरदानी लगाकर सोएं, तभी डेंगू से बचाव किया जा सकता है। निगम तो अथक प्रयास कर रही है फॉगिंग के लिए, एंटी लार्वा छिटने के लिए। यहाँ से रोस्टर भी बन चुका है, मतलब नया रोस्टर बना है, जिसमें डेली 4 ग्रुप बांटा गया है, ग्रुप 4 ग्रुप में, उसमें एक ग्रुप में 4 वार्ड को लिया गया है और डेली इस तरह से रोटेट होकर फॉगिंग हो रही है। और अभी मैं खुद से जा रही हूँ देखने के लिए कि कहाँ फॉगिंग आज के रोस्टर में जो डाला गया है तो वो फॉगिंग हो रहा है वहाँ पर कि नहीं हो रहा है। तो जहाँ तक बात है डेंगू का, केवल भागलपुर शहर नहीं, पूरे बिहार में अभी डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। हम लोग लगे हुए हैं, जितना जल्दी से जल्दी हो इस पर काबू पाया जाए, और मैं अपील करूँगी यहाँ की जनता से कि आप लोग भी सतर्क रहिए, पानी जमा नहीं होने दें अपने घरों के अंदर, जो भी छोटे छोटे बर्तन में पानी है उसको तुरंत उड़ेल दें या उस पर तेल डाल दें, और मच्छरदानी के अंदर ही सोएं, और बच्चे यदि बाहर जाते हैं तो उनको पूरा कपड़ा पहना के भेजें खेलने के लिए। और हम लोग अपना यदि सब मिल करके, निगम प्लस भागलपुर की जनता मिल करके काम करेगी, तो हमको लगता है हम लोग डेंगू पर काबू पा लेंगे और बहुत जल्दी काबू पा लेंगे। ये कुछ दिनों की बात है और अब बारिश भी ख़त्म हो रही है और बहुत नियम संगत से काम भी चल रहा है, डेंगू का छिड़काव हो रहा है, और भागलपुर की जनता भी समझ चुकी है कैसे इस पर काबू पाया जाए, तो हम लोग जल्दी इस पर काबू पा लेंगे। भागलपुर में इन दिनों लगातार कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। कैंसर से भागलपुर का जगदीशपुर, सबौर, नवगछिया, पीरपैंती इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है।
बीते 10 महीने की बात करें तो 28 से अधिक कैंसर के मरीज मिले हैं, जिसमें से माउथ कैंसर के 17, ब्रेस्ट कैंसर के 6 और सर्वाइकल कैंसर के 4 मरीज मिले हैं। माउथ कैंसर का मुख्य कारण तंबाकू नशा का सेवन करना है। विशेषकर गंगा किनारे के इलाके के लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वजह यह भी बताई जा रही कि गंगा के पानी में आर्सेनिक ज्यादा है, साथ ही कहीं ना कहीं क्रोमियम की मात्रा भी अधिक होती है, जिससे कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हर रोज कैंसर की स्क्रीनिंग हो रही है। यहाँ कैंसर रोगियों के इलाज के लिए बने डे केयर सेंटर में कीमोथेरेपी व बायोप्सी भी किए जा रहे हैं। भागलपुर में अब तक 14,402 महिला व 6,344 पुरुष में कैंसर की जांच की गई है। नवंबर 2022 से अब तक कुल 28 मरीजों की पहचान हो चुकी है और कहीं ना कहीं चिंता का ये बड़ा कारण बनता जा रहा है। भागलपुर में ब्लड कैंसर, लंग कैंसर व अन्य तरह के कैंसर के मरीज मिलते हैं। भागलपुर से पटना के IGMS महावीर कैंसर संस्थान व भाभा कैंसर संस्थान में उसे रेफर कर दिया जाता है। क्लस्टर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनुराधा ने बताया कि स्टेट हेल्थ केयर सोसाइटी के सुपरविजन में बिहार के 38 जिलों में कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। पहले भी कैंसर के मरीज पाए जाते थे, लेकिन लोगों के बीच जागरूकता नहीं थी। साथ ही कैंसर डिटेक्शन के बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया जाता था, जिस वजह से आंकड़े छिप जाते थे। लेकिन स्क्रीनिंग होने से अब हम लोग प्री कैंसर डिटेक्शन, मतलब इसके शुरुआती लक्षण को पहचान कर सही समय पर इलाज दे पा रहे हैं। यहाँ ओरल कैंसर की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ के लोग तंबाकू और गुटखे का ज्यादा सेवन कर रहे हैं। साथ ही साथ महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर भी तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टर अनुराधा ने बताया कि गंगा और कोसी के प्रदूषण और आर्सेनिक युक्त पानी का इस्तेमाल भी कैंसर का एक मुख्य कारण हो सकता है। अभी इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, पहले भी कैंसर के मरीज पाए जाते थे, बट कैसा था कि उनको उतना कैंसर के बारे में अवेयरनेस नहीं था, अर्ली डिटेक्शन नहीं होता था, और अगर डिटेक्शन हो भी गया तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था। ठीक है, वैसे उनको इलाज के लिए या महावीर जाना होता था या IGMS जाना होता था। ठीक है, तो उनके लिए जो पेशेंट नॉर्थ बिहार के हैं उनके लिए साउथ बिहार जाना भी मुश्किल होता था। अभी क्या है कि जब से स्क्रीनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तो इनके हम लोग जो मतलब कैंसर के पहले एक प्री कैंसर मतलब कि कैंसर की शुरुआती लक्षण पाए जाते हैं, तो अभी स्क्रीनिंग के तहत हम वो शुरुआती लक्षण को भी हम ढूंढते हैं। उससे क्या हो, ओरल कैंसर काफ़ी मात्रा में पाए जा रहे हैं, साथ ही साथ अभी ब्रेस्ट कैंसर भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, और जो तीसरा कैंसर है सर्वाइकल, वो फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर के बाद ज़्यादा पाए जा रहे हैं। क्या कारण हो रहा है इन सब? ओरल कैंसर का सबसे मुख्य कारण है वो है तंबाकू, मतलब जो भी वो नशा कर रहे हैं, तंबाकू मतलब कि खैनी, गुटखा या फिर सिगरेट के फॉर्म में जो वो नशा कर रहे हैं, जो वो ड्रिंक ले रहे हैं, इसका अमुख कारण ये है ओरल कैंसर के लिए। ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक है, तो वो एक्चुअली कैंसर जो है, कैंसर के कारण मतलब एक नहीं, वो मल्टीफैक्टोरियल है, उसके कारण बहुत है। उसमें से ये मैं डिनाई नहीं करूँगी कि आर्सेनिक एक मुख्य कारण हो सकता है, बिकॉज ये कोशी बेल्ट में या फिर जो भी गैंगस बेल्ट में जो भी कैंसर पाए जा रहे हैं उसका आर्सेनिक एक मुख्य कारण हो सकता है। वहीं होमी जहांगीर भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर द्वारा मायागंज अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात डॉक्टर सैयद अनी एजाज ने बताया कि भागलपुर जिले का सबौर इलाका व बांका और भागलपुर जिले के बॉर्डर पर स्थित गांवों में कैंसर के ज्यादातर मरीज मिल रहे हैं। साथ ही साथ जिले के शहरी क्षेत्र में भी कैंसर के ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं। लोगों के बीच कैंसर बीमारी को लेकर जागरूकता हो तो अधिकतर लोगों की जान बचाई जा सकती है। ऐसा देखिए, भागलपुर में कुछ जगह है जहाँ के कैंसर के मरीज ज़्यादा मिले हैं, लेकिन हम लोग उसको हाईलाइट नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ अगर हाईलाइट होगी तो वो चीज़ पैनिक हो जाएगा लोगों के बीच, है ना, और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे वहाँ के लोगों से शादी नहीं करना या ऐसा कुछ क्रिएट हो सकता है समाज में, जिस वजह से कि हम लोग उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते हैं बट मॉनिटरिंग करते हैं कंटिन्यू। वो हमारा हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री होता है, है ना, और पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री, जिसमें कि हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं कि यहाँ पर किस कारणवश या फिर अशिक्षा है या वैसा कंजम्पशन हो रहा है किसी टोबैको प्रोडक्ट का या वैसा फिर पानी का कोई प्रॉब्लम है,
तो जैसे सबौर में है सुल्तानपुर भिट्टी जो हम लोगों का पहले हॉटस्पॉट था, और फिर जो बांका का जो रीजन है उसमें भागलपुर और बांका के बीच में जितना मतलब गांव पड़ता है, तो उन गांवों से पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, और भागलपुर के शहरी क्षेत्र में भी कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं जो कि आजकल हम लोगों को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जो हम लोग चाह रहे हैं कि वो लोग उस चीज़ों को छोड़ें। जैसे कुछ लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर देते हैं, और कुछ लोग पैसे की कमी के वजह से भी नहीं सोचते हैं कि इलाज नहीं होगा, लेकिन उसके लिए हमारे सरकार भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड का प्रावधान कराया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से शिक्षा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे किसी भी चीज़ का हो, तो कैंसर से भी रिलेटेड अगर लोगों में अवेयरनेस होगा तो उससे बहुत सारे लोग बच सकते हैं। आर्सेनिक व क्रोमियम युक्त पानी के सेवन से भी कैंसर का खतरा होता है, इसके लिए हमने इंडियन केमिकल सोसाइटी भागलपुर चैप्टर के अध्यक्ष शोधकर्ता डॉक्टर अशोक झा से बात की। उन्होंने बताया कि पानी में आर्सेनिक व क्रोमियम का परमिसेबल लिमिट से अधिक होना और उसके लगातार सेवन से कैंसर होने का खतरा होता है। कैंसर के मरीज अधिकतर भागलपुर में ज्यादा मिलते हैं। इस पर उन्होंने बताया कि गंगेटिक बेल्ट में आर्सेनिक और क्रोमियम की मात्रा अधिक है। कैंसर के मरीज होने का यह एक प्रमुख कारक हो सकता है और है भी। पानी में आर्सेनिक का परमिसिबल लिमिट से अधिक होना और क्रोमियम का पानी में अधिक मात्रा में होना और उसके लगातार सेवन करने से लंग और लीवर कैंसर होता है, और इस तरह के कई रोग इस इलाके में भागलपुर के दियारा इलाके और इस इलाके में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ के पूरे गंगेटिक बेल्ट में आर्सेनिक और क्रोमियम की मात्रा परमिसिबल लिमिट से अधिक पाई गई है, जो कि एक अलार्मिंग सिग्नल दे रहा है ताकि आने वाली आबादी इसके दुष्प्रभावों से अवगत हो जाए और इस तरह के पानी का सेवन बंद करें। पानी के कारण भी ये संभव है? हाँ, पानी के कारण बिल्कुल, पानी वन ऑफ द फैक्टर है, एक प्रमुख कारण है ये कैंसर होने का, और दूसरे भी कारण हो सकते हैं लेकिन यह एक। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के तहत विद्युत आपूर्ति अंचल भागलपुर के द्वारा आज विद्युत विपत्र सुधार एवं अन्य शिकायत निवारण से संबंधित शिविर का आयोजन विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल मुजाहिदपुर भागलपुर में लगाया गया, जिसमें सैकड़ों बिजली उपभोक्ता अपनी समस्याओं को लेकर आए और अधिकारियों से मिले, उनका समाधान किया गया, और जिन उपभोक्ताओं का समाधान नहीं हो पाया उन्हें जल्द समाधान करके मोबाइल पर सूचित कर दिया जाएगा। वहीं आज के इस उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के विद्युत विपत्र सुधार एवं अन्य शिकायत निवारण से संबंधित शिविर में दर्जनों उपभोक्ताओं ने एक तरफ जहां खुश होकर वो वहां से गए, वहीं कुछ लोग नाखुश भी दिखे। सबों का मुख्य रूप से शिकायत ये था कि हमारी रीडिंग सही नहीं आ रही है, पहले से ज़्यादा बिल आ रहा है या कहीं से भी सही नहीं है। कुछ लोगों का कहना था कि बिल बढ़ाकर भेजा जा रहा है, गरीब लोग किस तरह अपना जीवन यापन करेंगे, वह अपने परिवार को भोजन की पूर्ति करेंगे या बिजली के बिल का भुगतान करेंगे, ये बड़ी समस्या इस शिविर में उभर कर सामने आई। किसी का बिजली बिल में विवाद हो, नया कनेक्शन नहीं मिल रहा हो, या और भी कोई भी प्रॉब्लम बिजली से संबंधित है, तो उसके लिए शिविर का आयोजन किया गया है, और ये हम लोग अभी सब डिवीज़न स्तर पर कर रहे हैं, बाद में हम लोग सेक्शन स्तर पर भी जाएंगे, पहले अभी सब डिवीज़न अवर प्रमंडल स्तर पे है, वहाँ पे हम लोग अभी आयोजन कर रहे हैं। इसमें पहला हम लोग का शुरुआत हम लोगों ने शहरी एरिया से किया है, जो मुजाहिदपुर को हम लोग सबसे पहले लिया है, उसके बाद हम लोग 12 तारीख को जो हमारा शिविर है वो बांका में है, फिर हम लोगों ने 15 तारीख का शिविर हम लोगों ने रखा है रजौन में, उसके बाद 19 तारीख को अलीगंज में है, फिर 22 तारीख को सुल्तानगंज में, उसके बाद हम लोगों ने 26 तारीख को रखा है नौगछिया में। इसके अलावा भी शिविर के अलावा भी कंज्यूमर हमारे यहाँ आ सकते हैं, हमारा ऑफिस है यहाँ पे भिखनपुर गुमती नंबर 1 के पास में CGRF का कार्यालय है, वहाँ पे आकर अपना आवेदन दे सकते हैं, हम लोग का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट पे आवेदन दे सकते हैं। क्या अपील करना चाहते हैं सर जनता? लोग आके शिविर में आके इसका फ़ायदा लें, और हमारे जो कार्यालय में भी अपना आवेदन दे के अपने बिजली में कहीं भी किसी प्रकार के विद्युत से संबंधित समस्या हो तो उसका निदान कराएं। भागलपुर में नगर निगम की कार्यशैली से नाराज होकर जन अधिकार पार्टी के छात्र नेताओं ने मेयर वसुंधरा लाल का घेराव करते हुए निगम कार्यालय के मुख्य गेट के सामने उनका पुतला दहन किया।
इस दौरान छात्र नेताओं ने मेयर वसुंधरा लाल की गाड़ी के सामने बैनर पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी भी की। शहर की समस्या को लेकर छात्र मेयर के सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन मेयर अपनी गाड़ी से चलते बने। हम आपको बताते चले कि जिले में डेंगू का आंकड़ा 150 के लगभग पहुंच गया है। साथ ही मायागंज अस्पताल में 10 डेंगू मरीजों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। पूर्व बिहार में एक नंबर पे डेंगू के कारण फंसा हुआ है। आज पिछले कुछ दो दिन पहले 4 साल की बच्ची हमारे शहर में इस शहर को छोड़ के चले गए, इस दुनिया को छोड़ कर गए। इसके जिम्मेदार पूरे वसुंधरा लाल मेयर है। आज भागलपुर में सफाई के मामले में कहीं कुछ नहीं है। वसुंधरा लाल को इसलिए यहाँ के लोगों ने चुना क्योंकि वो एक पेशे से डॉक्टर है और डॉक्टर सबसे ज़्यादा साफ सफाई पे ध्यान देती है, लेकिन वसुंधरा लाल स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों हतोश रही है। हम यही चाहेंगे कि आप स्मार्ट सिटी को हटा दीजिए, हम लोग नॉर्मल ही रहना पसंद करेंगे। स्मार्ट सिटी के नाम पे आप करोड़ों कमा रहे हैं। भागलपुर में साफ सफाई 0/0 है। क्यों ऐसा, क्या परिस्थिति है, कहाँ जाती है साफ सफाई के नाम का पैसा, कौन समेट रहा है इस पैसे को? वसुंधरा लाल इसमें चू से चार नहीं कर रही है। आपसे अगर पद नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए, भागलपुर में एक बार फिर उपचुनाव होगा। सुल्तानगंज में बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कृष्णगढ़ चौक पर DSP डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस पब्लिक के बीच विभिन्न समस्याओं को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान DSP डॉक्टर गौरव कुमार, थानाध्यक्ष प्रियरंजन कुमार ने पुलिस पब्लिक के विभिन्न समस्याओं के बारे में विस्तार से बताते हुए शहर से पंचायत तक हर घर में दस्तक देते, उनके साथ मित्रता बनाकर उनकी हर समस्याओं का कैसे निदान किया जाएगा, ये सारी बातें बताई। इस दौरान सरपंच अध्यक्ष विमल किशोर यादव, लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष मनीष कुमार, समाज सेवी शिवम चौधरी, वार्ड पार्षद संजय चौधरी, नवीन कुमार बन्नी, विभूति मनोज सिंघानिया, दिलीप गुप्ता ने कहा कि पुलिस पब्लिक के साथ मित्रता बनाकर काम करने पर शहर व पंचायत में अपराध रुकेगा। इस दौरान महिला थानाध्यक्ष किरण सोनी, SI सबनम कुमारी, प्रमोद कुमार, नीरज कुमार समेत कई पुलिसकर्मी व ग्रामीण मौजूद थे। भागलपुर जिला में बिहार राज्य वैक्सीन कोरियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर सदर अस्पताल से जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय भागलपुर तक सड़क मार्च निकाला गया। उसके बाद उन लोगों ने अपने 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य मांग प्रत्येक महीने 30 दिन के कार्यों की मांग, 1000 ग्रामीण आबादी पर एक कोरियर की बहाली, 10,000 रुपये तक की मानदेय देने की मांग शामिल थी। साथ ही साथ वैक्सीन के प्रत्येक डब्बे पर 90 रुपये से बढ़ाकर इसे 500 रुपये करने की मांग, आशा ममता की तरह मृत्यु उपरांत 4 लाख रुपये अनुदान राशि देने एवं प्रत्येक कोरियर की 12 लाख रुपये की बीमा राशि की मांग का ज्ञापन उन्होंने सौंपा।